तो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार सर हियर फ्रॉम एलएसएलसी एकेडमी। तो माय डियर चैंपियंस, आज हम लोग को एंट्रेंस का एक बेहतरीन टॉपिक करना है जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और यही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है 1D, यानी के मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, तो सर ये चैप्टर का वेटेज है कितना, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है? माय डियर, अगर हम लोग काइनेमेटिक्स का पार्ट देखते हैं तो काइनेमेटिक्स के पार्ट के अंदर ये चैप्टर आपका कम से कम 2 क्वेश्चन तो देके जाएगा नीट के एग्जामिनेशन के लिए, सिंगल क्वेश्चन देके जाएगा JEE के एग्जामिनेशन के लिए। एंड अगर मैं महाराष्ट्र CET की बात करता हूं तो कम से कम महाराष्ट्र CET में 2 क्वेश्चन तो बनते ही है। ओके, और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस ही इतना अच्छा है कि ये चैप्टर के ऊपर ही आप लोग का जो हम लोग कहते हैं 2D वाला मोशन, यानी कि मोशन इन अ प्लेन एज वेल एज NLM, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये बड़े बड़े चैप्टर्स ये चैप्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, ये चैप्टर एक बेसिक कंसेप्ट आपको देके जाएगा। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। सर देखो क्या है, फिर हम लोग बात करते हैं मोशन की, बात करते हैं एग्जैक्टली मोशन क्या होता है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं सर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम अगर उसका पोजीशन चेंज करता रहेगा तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट कहलाता है इन मोशन। तो मैंने सिंपल सा एक डेफिनेशन रख दिया आप लोग के सामने। सर व्हाट इज मीन बाय मोशन, अ पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर आपके पास पोजीशन है और वो पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पर उसे कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट इज इन व्हाट, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक हॉरिजॉन्टल रोड है हम लोग के पास, ये हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर एक कार खड़ा है और ये कार ने खुद के पोजीशन को चेंज कर दिया। कार का सबसे पहला पोजीशन था ए वाला पोजीशन, कार ने बी वाले पोजीशन तक गया, तो कार का जो पोजीशन था ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ है। इट मींस कार इज इन मोशन। कार किस में गया बेटा, कार गया है मोशन के अंदर। तो इस दुनिया में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बहुत बड़ी बात है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऑब्जेक्ट कहलाता है इन मोशन। ओके सर, ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है जब वो चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर अगर हम लोग रेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर क्या है, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट। कभी जब ऑब्जेक्ट के अंदर पोजीशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है तब जाके हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट कंडीशन पे होगा। तो सर ये रेस्ट कंडीशन के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यानी कि लेट्स टेक वन एग्जांपल, ये मेरे पास एक मार्कर वाला पॉइंट है, ये मार्कर को मैंने यहां पर रख दिया कुछ ऐसे, बराबर है। टाइम आगे बढ़ते गया पर ये मार्कर ने खुद के पोजीशन को चेंज नहीं किया तो हम लोग सिंपल बोलेंगे मार्कर किस कंडीशन पे गया बच्चा, तो मार्कर इज इन व्हाट, रेस्ट कंडीशन। मार्कर आप लोग का रेस्ट कंडीशन पे गया। ओके, तो इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस नहीं होता है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस में है बेटा, वो ऑब्जेक्ट है रेस्ट कंडीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, तो दो चीजें पढ़ी है हम लोग ने। सबसे पहला पढ़ा है हम लोग ने मोशन के बारे में। मोशन यानी कि क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ऑब्जेक्ट खुद के पोजीशन को चेंज करता है तो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर मैं वही बात रेस्ट की करूं तो सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम कितना भी बढ़ने दो पर ऑब्जेक्ट आप लोग का यूनिफॉर्म कंडीशन के अंदर है, रेस्ट कंडीशन के अंदर है, वेलोसिटी उसके पास जीरो है, तो हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन व्हाट, रेस्ट वाला कंडीशन। ओके, तो सर जी बेसिकली चैप्टर डील करता है ये 1 डायमेंशन वाले मोशन के साथ। अभी ये 1 डायमेंशन वाला मोशन यानी कि एग्जैक्टली होता क्या है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है वेक्टर एंड स्केलर पहले, बराबर है। तो ये 1D वाला मोशन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट खुद को डिस्प्लेस करते टाइम बस एक ही एक्सिस को पकड़ता है। लेट से मैंने एक बात किया, यहाँ पर एक पर्सन है, वो पर्सन खड़ा है एक्स वाले एक्सिस के ऊपर। ओके, एंड यही पर्सन अगर खुद को डिस्प्लेस करता है तो ये ए वाला पोजीशन से चल के गया बी वाला पोजीशन, तो पर्सन का जो पोजीशन डिस्प्लेस हो रहा है, ये पोजीशन यानी कि हम लोग सिंपल कहेंगे कि लोकेशन,
ये लोकेशन को मार्क करने के लिए मुझे बस एक ही एक्सिस की जरूरत आई, जब मुझे लोकेशन पोजीशन को मार्क करने के लिए बस सिंगल एक्सिस लगेगा तो वहां पर वो बन जाता है मेरे पास 1D, जिसको कहते हैं हम लोग वन डायमेंशन वाला मोशन, यानी कि 1D वाला मोशन। बात एकदम क्लियर करके लेना बच्चा, पोजीशन एक्स को पकड़ के हो सकता है, या फिर पोजीशन वाई को पकड़ के हो सकता है, या फिर पोजीशन तुम लोग का जेड को पकड़ के हो सकता है। तो ये पोजीशन कोई भी एक्सिस पे होगा ऑब्जेक्ट का, पर ये पोजीशन के लिए बस मुझको सिंगल एक्सिस लगता है। जब सिंगल एक्सिस लगेगा तो उसका मतलब क्या आता है, वन डायमेंशन वाला मोशन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक सिंपल से मैंने एक पोल लिया, यहाँ पर एक पोल है ऐसे, ओके, यहाँ पर भी एक पोल है ऐसे, और ये पोल के बीच में हम लोग ने एक यहाँ पर ऐसी रस्सी बांध ली, ओके। सर ये रस्सी के ऊपर ना एक छोटू सी एंट रखी है, मुंगी ठेवली बेटा, ये एंट का पोजीशन है यहाँ पर, बराबर है। अब ये जो एंट है ये ए वाला पोल से लेके बी वाले पोल के पास ट्रैवल कर रही है, कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है, बराबर है। सर जब ये एंट ए वाला पोजीशन से बी वाला पोजीशन तक जाएगी तो एंट के लिए बस एक ही रास्ता है, एक ही मोशन है, एक ही डायरेक्शन है। तो जिस टाइम पे आपके पास एक ही एक्सिस कंसिडर होता है तो वो एक्सिस वाले मोशन को हम लोग कहते हैं 1D मोशन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसे कहा जाता है बेटा वन डायमेंशन वाला मोशन, ओके। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। जब मैं 1D की बात करूंगा तो बस सिंगल एक्सिस, इट मे बी अ एक्स, इट मे बी अ वाई, इट मे बी अ जेड वाला एक्सिस। जब मैं 2D की बात करता हूँ, टू डायमेंशन वाले मोशन की बात, तो 2D वाले मोशन में आपके पास दो एक्सिस रहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके, या फिर वाई एक्सिस जेड एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ओके। तो ये 2D वाला मोशन है। सिमिलरली 3D वाले मोशन की जब बात करेंगे तो 3D वाले मोशन में तीन एक्सिस इन्वॉल्व रहते हैं, और ये तीन एक्सिस का कॉम्बिनेशन यानी कि आपके पास आता है 3D वाला मोशन, ओके। तो सर ये 1D वाला मोशन जो है, सपोज ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है एक्स वाले डायरेक्शन को पकड़ के, तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन को दिखाएंगे कैसे? तो माय डियर, यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एक्स ऑफ व्हाट, आई कैप। सर ये आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? आई कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, ओके। ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन पे है? तो ये यूनिट वेक्टर है हम लोग के पास एक्स डायरेक्शन के ऊपर, ओके। अगर सपोज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बस वाई एक्सिस को पकड़ के ट्रेवल कर रहा है, तो y एक्सिस वाले पोजीशन को हम लोग मार्क करेंगे, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्या, y ऑफ मैंने लिख दिया बेटा j कैप, ओके। अगर वही ऑब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट आप लोग का बस एक ही सिंगल एक्सिस को पकड़ के मूव कर रहा है, तो वहां पर लिखेंगे उसका न्यू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर p वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, z ऑफ k कैप। ये आएगा आपके पास सिंपल से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट, ओके। सो 1D वाले पार्ट के अंदर हम लोग ये कांसेप्ट को देखेंगे, ओके। लेट्स चलते आगे, आगे बढ़ेंगे। देखो आगे क्या है, आगे यहाँ पर एक सिंपल से उसने पॉइंट रख दिया, वो है हम लोग के पास छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है जो 1D में यूज होते हैं, और वो टर्मिनोलॉजीज है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वाले फंडे। तो सबसे पहला पार्ट आया हम लोग के पास डिस्टेंस वाला पार्ट। क्या बचा? डिस्टेंस वाला पार्ट। मैं डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे पाथ लेंथ। अब ये पाथ लेंथ है क्या? तो हम लोग सिंपल से कहेंगे कि एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पाथ लेंथ, ओके। तो कंसेप्ट को एकदम अच्छे तरीके समझ के लेने का है। सपोज सर अगर पाथ लेंथ की मैं बात करूं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ऑब्जेक्ट आया ए वाला पोजीशन से, और ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तुम लोग के पास बी वाला पोजीशन तक। ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रेस आउट किया है वो है 2 मीटर का पाथ। अगर ये पाथ मेरे पास 2 मीटर का रहेगा, इट मींस यहाँ पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 2 मीटर का। डिस्टेंस कितना कवर अप हुआ है, 2 मीटर का, ओके। सो कितना पाथ वो ट्रेस करते जा रहा है उसके जर्नी के पास, तो वहां पर वो सिंपल आएगा पाथ लेंथ, ओके। सेम ऑब्जेक्ट लिया आप लोग ने ए वाला पोजीशन से, उसने स्टार्ट कर दिया, बी वाले पोजीशन तक गया, फिर से ये सी वाले पोजीशन तक गया,
तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं ये है 2 मीटर का, ये डिस्टेंस है हम लोग के पास 2 मीटर का, तो यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ होगा ए से लेके बी, बी से लेके सी, यानी कि 2+2 यानी कि 4 मीटर, ये 4 मीटर हो गया आपके पास पाथ लेंथ। ओके तो सर सिंपल सिंपल सी बात है, पाथ लेंथ यानी कि हम लोग कहेंगे डिस्टेंस को। ओके सर ये क्या है, तो हम लोग थर्ड पॉइंट में बात करेंगे कि इट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट अगर एक्सप्लेन करूं तो आपका जो पाथ लेंथ होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कैसे, सपोज यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, हम लोग मूव कर रहे विद रिस्पेक्ट टू सम कंडीशंस, लेट्स से एक ट्रेन है, ये ट्रेन के अंदर एक पर्सन बैठा है, ओके और ये ट्रेन आगे आगे बढ़ रही है, बराबर है, तो विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ट्रेन इज मूविंग, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ट्रेन इज मूविंग, पर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन पर्सन जो है वो अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है। विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन पर्सन इज इन व्हाट, रेस्ट कंडीशन। पर अगर मैं वही बात करूं, अगर पर्सन का मैं कंपैरिजन डालता हूं विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, तो यहां पर पर्सन भी कंटिन्यूसली मोशन को चेंज करते जा रहा है, उसके पाथ को चेंज करते जा रहा है, तो यहाँ पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आपके पास ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने का है, क्या करने का है सर, इट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके नेक्स्ट पॉइंट है, कैन नॉट डिक्रीज विथ टाइम। अभी एक बात एकदम समझ के लो, जो डिस्टेंस होता है ना वो डिस्टेंस हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, वो डिस्टेंस आपका जीरो हो सकता है, पर ये डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं रहेगा, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता है। ओके इट मे बी ये जीरो हो सकता है या फिर तुम लोग का पॉजिटिव नंबर पे ही रहेगा, पर डिस्टेंस नेवर जीरो, ओके सॉरी नेगेटिव। ओके तो डिस्टेंस का अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम लोग सिंपल बोलेंगे क्या, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और वी कैन से जीरो। ओके सर ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग के पास स्केलर पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर बेटा, स्केलर पैरामीटर। अभी ये डिस्टेंस को स्केलर पैरामीटर क्यों बोलते हैं, सिंपल से डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस के पास कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, इट मीन्स डिस्टेंस कौन सा पैरामीटर आएगा मेरे पास, स्केलर। अगर मैं यूनिट की बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का यूनिट हमेशा मेजर होता है तुम लोग का मीटर के अंदर, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट बनेगा मीटर। इसके डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन में आता है हम लोग के पास m0 l^1 एंड t^0, यानी कि डायमेंशनली यहाँ पर l का पावर कितना बनता है, 1। ओके सो इट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी जीरो। ओके ये तो पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया है। ओके तो ये डिस्टेंस यानी कि क्या, डिस्टेंस यानी कि हम लोग कहेंगे पाथ लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके आगे चलेंगे बच्चा, डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट फिनोमेना निकलता है हम लोग के पास, जिसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। ओके अभी ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट है वो हम लोग को देखना है पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट दिया उस लोग ने सर डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग कहेंगे चेंज इन पोजीशन, और वी कैन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके अगर हम लोग के पास ए वाला पॉइंट यहाँ पर है एंड बी वाला पॉइंट हम लोग के पास यहाँ पर है, तो ये ए वाला पॉइंट एंड बी वाले पॉइंट इनके बीच में का जितना छोटू सा डिस्टेंस है ये स्मॉल डिस्टेंस को, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ के लो, व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक पर्सन है जिसने ट्रैवल कर रहा है ए वाला पोजीशन से, और ये ए वाला पोजीशन है 2, 3 वाला पोजीशन। ओके और ये पर्सन ट्रैवल करते करते गया, और ये गया तुम लोग का नेक्स्ट पोजीशन के पास, यानी कि पोजीशन नंबर बी जो रहेगा हम लोग के पास, लेट्स से 3, 4 वाला पोजीशन। तो यहाँ पर ये पर्सन ने एग्जैक्टली कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है ये आप लोग कैलकुलेट कैसे करोगे, तो वहां पर आपको सिंपल सा लॉजिक यूज करने का है। आपके पास जो फाइनल पोजीशन था और आपके पास जो इनिशियल पोजीशन था, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इनके बीच में का रहने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ओके लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर अगर एक पर्सन है जिसने ए वाला पोजीशन से ट्रैवल किया है बी वाले पोजीशन तक,
और ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस है मेरे पास 3 मीटर। ओके तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे आपका फाइनल पोजिशन माइनस आपका इनिशियल पोजिशन, यानी कि ये रहेगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का। ओके पर वही पर्सन अगर सपोज चेंज करते 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 तुम लोग का बी वाला पोजिशन से परपेंडिकुलरली सी वाले पोजिशन पे गया, ये हम लोग के पास फिर से 4 मीटर का रास्ता है, बराबर है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे सर फाइनल पोजिशन किधर है आपका, तो फाइनल पोजिशन ये है और इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है बेटा, ये है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये देगा आप लोग को डिस्प्लेसमेंट। ओके तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये क्या है, ये तो हाइपोटेनियस है सर। तो ये हाइपोटेनियस को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो पाइथागोरस का थ्योरम डायरेक्टली यूज करो, और पाइथागोरस के थ्योरम से ये 3 है ये 4 है, यानी कि ये टोटल होता है 9, 9 प्लस 4 यानी कि 16, 16 प्लस 9 यानी कि 25, 25 का स्क्वायर रूट निकाला तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 5। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो डिस्प्लेसमेंट आ गया सी से लेके ए तक का इज 5 मीटर ओनली। ओके तो इसके लिए हम लोग हमेशा कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ऐसे कि सर सपोज ए वाला पर्सन ने स्टार्ट कर दिया ए वाले पोजीशन से, वो बी वाला पोजीशन तक तो गया एंड फिर से उसने रिट्रेस कर दिया सेम पाथ को, एंड फिर से यहाँ पर बी वाले पोजीशन से वो फिर से ए वाले पोजीशन पे आया, तो ये कंडीशन पे आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो वहां पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपका फाइनल पोजीशन एज वेल एज इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, इसका मतलब वो हम लोग के पास क्या देगा, नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा 0। तो बात को एकदम क्लियर करके लो, जब फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन दोनों भी सेम होगा तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 0। ओके तो सबसे पहला पॉइंट था जिसको हम लोग कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट था इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये ए वाला पोजीशन है आपके पास, ये बी वाला पोजीशन है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ए वाले पोजीशन से बी वाले पोजीशन पे ट्रैवल करते गया पाथ नंबर 1 से, फिर से ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये ए टू बी गया पाथ नंबर 2 से, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 1 ये ए टू बी गया फ्रॉम पाथ नंबर 3 से। यहाँ पर पाथ कौन सा भी होने दो पर डिस्प्लेसमेंट का एक ही तो फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। B एंड A वाला पॉइंट इनके बीच में जो छोटू सा डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ही डिस्प्लेसमेंट। ये A वाला पाथ से जाए फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, पाथ कोई भी सिलेक्ट करो पर आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा, दो पोजीशन के बीच में का अंतर ही आएगा। ओके सर यहाँ पर लिखा है कैन डिक्रीजेस विद टाइम, ये बात सच है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है एंड डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, ये तीनों वैल्यू में से डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस की बात किया था अभी, तो डिस्टेंस ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का हमेशा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। कैसे जरा चेक करते हैं, सपोज मैंने ऐसे कंसिडर किया कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यहां तक पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो ये मेरे पास नेगेटिव वाला डायरेक्शन है। अभी जरा प्लीज बात को समझो, एक रोडवे, एक पाथवे, ये पाथवे पे एक बंदा खड़ा है और जो बंदा एकदम जीरो वाले कंडीशन पे खड़ा है, जो बंदा जीरो वाले कंडीशन पे खड़ा है, रेस्ट पे खड़ा है, वो ना फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है ना बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है। जब बंदा रेस्ट कंडीशन पे खड़ा रहेगा तो यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बन जाएगा 0। पर वही बंदे ने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, और वो बंदा चलते चलते गया फर्स्ट पोजीशन के पास, सेकंड पोजीशन के पास, थर्ड पोजीशन के पास, और थर्ड पे जाके पहुंचा, वहां पर जाके रुक गया, तो ये थर्ड वाले पोजीशन पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो हमेशा रहेगा पॉजिटिव। कितना रहेगा बच्चा, वो पॉजिटिव। पर वही बंदा अगर फिर से 3 वाले पॉइंट से चल के चल के चल के चल के फिर से 0 पे आ गया,
तो यहां पर मैं कह सकता हूं जीरो से गया थ्री पे, थ्री से फिर से रिटर्न आ गया जीरो पे, तो यहां पर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट क्या है बच्चा, सेम है। जिस कंडीशन पर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम रहेंगे तो वो पोजीशन क्या रहेगा आपके पास, वो पोजीशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट बनेगा आपके पास जीरो। ओके, पर वही बंदा है वो रुका नहीं जीरो पे आके, वो आगे 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 बढ़ते ही गया, आगे बढ़ते गया मतलब यहाँ पर आता है माइनस वन, यहाँ पर आता है माइनस टू, नेगेटिव एक्सिस को उसने पकड़ के लिया। तो ये कंडीशन पे नेट डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास माइनस टू वन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग के पास वेक्टर पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर बेटा ये? सर मेरे पास वेक्टर पैरामीटर है। ओके सर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इज सेम एज मीटर। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आएगा? मास तो कुछ है नहीं तो इसके हम लोग पकड़ेंगे m0। सर लेंथ कितना है? l1। टाइम कितना है? t0। करेक्ट है सर। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? तो मैंने सिंपल बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी के s2 वाला डिस्टेंस माइनस s1 वाला डिस्टेंस, और वी विल से फाइनल पोजीशन माइनस व्हाट इनिशियल पोजीशन, ये भी हम लोग के पास क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट का एक वैल्यू, एक पार्ट है। ओके सर, नेक्स्ट इज नेक्स्ट टर्म उसने बोला है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग के पास एक एरिया है, जो एरिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया है, तो हमेशा दिमाग में रखना ये एक्स एक्सिस है जहां पर हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, और वाई एक्सिस जो है बच्चा वहां पर आप लोग का डिपेंडेबल पैरामीटर है। तो सपोज मेरे पास कुछ ग्राफ है और वो ग्राफ है x एक्सिस वर्सेस y एक्सिस वाला, यानी कि टाइम वर्सेस वेलोसिटी वाला ग्राफ। तो ये टाइम वर्सेस वेलोसिटी वाले ग्राफ का सपोज मैंने एक रिस्पांस को प्लॉट कर दिया, वो रिस्पांस आ गया कुछ ऐसे, बराबर है। यहाँ पर वैल्यू है 0, यहाँ पर वैल्यू है 10, यहाँ पर वैल्यू है 10। तो सर यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करूँ? तो बच्चा ग्राफ वाला जब पार्ट आपको आएगा, ग्राफ वाला पार्ट जब आएगा तब आपको एक ही दिमाग पर रखने का है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का हम लोग निकालेंगे एरिया। यानी कि आपको ये जो फिगर दिख रहा है, ये जो शेप दिख रहा है, बस ये शेप का आपको क्या कैलकुलेट करने का बच्चा? एरिया। अगर मैंने ये एरिया को कैलकुलेट कर दिया तो ये ग्राफ अंडर वीटी ग्राफ, ग्राफ अंडर वीटी कर्व्स ये देगा हम लोग को उसका एरिया, एरिया देगा हम लोग को उसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या देगा हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट। लेट्स टेक वन एग्जांपल, यहाँ पर एक व्हीकल है, व्हीकल का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आर। ओके, एंड व्हीकल ये 20 किलोमीटर पर आर से पहुंचा है यहाँ पर लेट्स से 100 सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल कैलकुलेट करेंगे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर अप यानी कि हम लोग सिंपल बोलेंगे उसका वेलोसिटी मल्टीप्लीकेशन में उसका टाइम, यानी कि हम लोग कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 20 किलोमीटर पर आवर का, मल्टीप्लीकेशन में टाइम कितना आया सर 100 सेकेंड्स का टाइम आया। तो ये 20 इंटू 100 अगर मैं कर दूं तो ये देगा मुझको डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। तो बात को एकदम क्लियरली समझ के लो, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ इनके अंडर का जो एरिया आता है वो आपको क्या देगा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट। तो सर ये एरिया जो हम लोग ने फिगर के अंदर बताया है वो हमेशा वैसा ही आता है क्या? नहीं बच्चा, आपके पास अगर ये वेलोसिटी वाला पार्ट है, ये टाइम वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी फिगर को अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये फिगर में आपका एरिया नेगेटिव भी हो सकता है, आपका एरिया पॉजिटिव में भी हो सकता है, या फिर आपका एरिया जीरो में भी हो सकता है। ओके, सपोज ये वन मोर फिगर दिया है जिसका वैल्यू है जीरो, यहाँ पर वैल्यू है 10, यहाँ पर वैल्यू है 20, यहाँ पर वैल्यू है 30। सर ये मैक्सिमम लेवल पे गया तो यहाँ पर वैल्यू प्लस 10, यहाँ पर अगेन फिर से डाउन साइड में आप लोग आ जाओ तो यहाँ पर वैल्यू इज अगेन माइनस 10। तो यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सर देखो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आता है ये वाला पार्ट, ये फिगर है, ये फिगर क्या है? ट्राइंगल का एरिया है। आप लोग को इसका एरिया को कैलकुलेट करना है, A1 वाला एरिया। सर नेक्स्ट डाउन साइड में जब जाएंगे तो डाउन साइड में हम लोग के पास अगेन एक रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, तो ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का आप लोग को एरिया को कैलकुलेट करना है, वो आता है A2। फिर से आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का फिर से आप लोग एरिया को कैलकुलेट करोगे, वो रहेगा आपके पास A3।
तो टोटल समेशन निकालो, टोटल समेशन ऑफ एरिया यानी कि क्या, टोटल समेशन ऑफ एरिया यानी कि एरिया A1 प्लस एरिया क्या लिखा है मैंने A2 प्लस लिख दिया बच्चा मैंने एरिया A3, ये तीनों एरियाज का कैलकुलेशन ये देगा आप लोग को डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग हमेशा कहेंगे डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे पास एरिया अंडर दी वीटी कर्व। ओके, तो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करोगे एकदम फास्ट, और फास्ट नोट डाउन करने के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक जो रहेगा हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ओके, थोड़ा उमदा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछा जाता है। सर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पर ये डिस्प्लेसमेंट एंथ वाले पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बात को समझेंगे थोड़ा। लेट्स से थोड़ा न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने ऐसे बहुत टाइप की न्यूमेरिकल्स देखे रहेंगे जिसके अंदर, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। सपोज एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है बच्चा, ओके, और ये ऑब्जेक्ट ने एक छोटू से बॉल को पकड़ा और छोटू से बॉल को धकेल दिया। जब ये बॉल नीचे गिरेगा तो ये बॉल आते टाइम फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, ऐसे नीचे 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 आ रहा है ये बॉल, बराबर है। सर ये 7 माले का बिल्डिंग है, 7 6 5 4 3 2 1 0, ये बॉल नीचे नीचे कंटिन्यूसली आ रहा है। ये बॉल जब स्टार्ट हुआ उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, उसके पास नीचे पहुंचने वाला फाइनल वेलोसिटी भी है, पर सर इन बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ये ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ तो, ये पोजीशन पे इसका एंथ वाला पोजीशन के पास कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, ये वाले पोजीशन के पास उसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा एज वेल एज उसका कुछ तो वेलोसिटी होगा। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग के पास एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम लोग सिंपल बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। जैसे मैंने बात कर दिया टाइम हो गया टी इज इक्वल टू जीरो, ऑब्जेक्ट को डाल दिया, ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड हो गया, तो 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुंचा है, वो ए वाला पोजीशन तक आया क्या, बी वाला पोजीशन तक आया या फिर सी वाला पोजीशन तक आया, ये चेक कैसे करेंगे या फिर वो कितने डिस्टेंस को कवरअप कर देगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे nth सेकेंड्स वाला फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला देखो अभी। सर बेसिकली काइनामेटिक का एक इक्वेशन आता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये काइनामेटिक का इक्वेशन है, करेक्ट है। सर ये काइनामेटिक के इक्वेशन के अंदर हम लोग को वैल्यू चाहिए nth सेकेंड्स के लिए आने वाला डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो अभी। फॉर nth सेकेंड यहां पर लिखा है मैंने, फॉर nth सेकेंड, अगर nth सेकेंड की बात चल रही है सर, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे nth सेकेंड के लिए हम लोग s ऑफ n माइनस करेंगे s ऑफ n माइनस 1। बात समझ लो प्लीज, मैंने लिख दिया s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1, ये कंडीशन लिख दिया। s ऑफ n क्या है, s ऑफ n यानी कि लेट्स से आप लोग का जो n नंबर का पोजीशन था वो n नंबर का पोजीशन, सर ये n नंबर के पोजीशन से मैंने माइनस किया है उसके फर्स्ट प्रियर वाला पोजीशन यानी कि s ऑफ n माइनस 1 वाला पोजीशन, ओके। तो सर यहाँ पर कैसे चलेगा फिर, तो आप लोग को सिंपल सिंपल ये जो काइनामेटिक के इक्वेशंस है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन में आपको पुट करना है t यानी कि जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू कितना है n सेकेंड वाला। जब मैंने t इज इक्वल टू n एज अ पुट कर दिया ये इक्वेशन के अंदर, तो आप लोग को मिलता है s ऑफ n इज इक्वल टू सर u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज, यहाँ पर t है, t यानी कि फिर से निकला यहाँ पर n प्लस आ गया यहाँ पर हाफ टाइम्स ऑफ a यानी कि एक्सेलरेशन है अगेन t का स्क्वायर, t क्या है फिर से हम लोग बोलते हैं n वाला वैल्यू है यानी कि n का स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ओके। सिमिलरली यहाँ पर जैसे हम लोग ने s ऑफ n को कैलकुलेट किया है वैसे ही हम लोग को s ऑफ n माइनस 1 को भी कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे सर, जहां पर आपको t दिखता है ये t के जगह पर आप लोग को पुट करना है n माइनस 1,
तो आप लोग का इक्वेशन बनेगा एस ऑफ वॉट एन माइनस वन इज इक्वल टू, सर यू का वैल्यू फिर से एज इट इज है, ये जो एन आपको दिखता है तो एन के जगह पर आएगा आपके पास एन माइनस वन माइनस सॉरी प्लस, ये आता है हाफ टाइम्स ऑफ, ये आता है ए इंटू वॉट टी स्क्वेयर। अगेन टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू इज एन माइनस वन, उसका क्या है पूरा स्क्वेयर है। तो कैलकुलेशन में करेंगे, ओपन करेंगे थोड़े ब्रैकेट्स को, सो यू ऑफ एन माइनस वन को मल्टीप्लाई है, सो यू इंटू वॉट एन माइनस कितना आएगा यू, प्लस आता है हाफ टाइम्स ऑफ वॉट, सर ए एज इट इज है, एन माइनस वन का स्क्वेयर ए माइनस बी का स्क्वेयर बच्चा, तो a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि दिस इज सिंपल एज n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया इतना। अभी आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सो दिस इज बेसिकली u ऑफ n माइनस u प्लस हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट a इनटू व्हाट n स्क्वायर माइनस, सर हाफ और 2 कैंसिल हो गया, a इनटू व्हाट n प्लस यहां पर आता है हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट a, ये बन गया ब्रैकेट के अंदर। सर यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो कैलकुलेशन में देखो क्या क्या हो सकता है बच्चा, सर ये कैलकुलेशन में आपका u ऑफ n वाला जो वैल्यू है बराबर है, ये वाला वैल्यू देखो तो ये जो इक्वेशन बनाया हम लोग का, ये इक्वेशन आया हम लोग के पास सेकेंड वाला इक्वेशन। ओके अब देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन निकल गया बच्चा, सेकेंड वाला इक्वेशन निकल गया, आप लोग अगर ये दोनों इक्वेशन को पुट कर देते हो ये वाले इक्वेशन के अंदर तो आप लोग को मिल जाएगा nth डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू, nth डिस्प्लेसमेंट के लिए एक नया फॉर्मूला। ओके तो चलो फिर करते हैं हम लोग पुट करेंगे और पुट करके करके आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे देखो। अभी यहाँ पर बेसिकली s ऑफ n का वैल्यू जो है हम लोग के पास, तो s ऑफ n का जो वैल्यू रहेगा ये u ऑफ n प्लस यहाँ पर है हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट a इनटू व्हाट n स्क्वायर। ओके माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस साइन s ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 का जो पूरा इक्वेशन है ये इतना लंबा अच्छा इक्वेशन है, ये इक्वेशन को देखेंगे तो उसको माइनस कर दो तो ये आएगा माइनस में कितना आता है u ऑफ n आता है माइनस इनटू माइनस या अगेन प्लस, यानी क्या आएगा प्लस u। ओके फिर से माइनस इनटू प्लस यानी के हाफ टाइम्स ऑफ प्लस हाफ टाइम्स ऑफ a इनटू व्हाट n स्क्वायर। ओके अगेन माइनस इनटू माइनस ये आता है पॉजिटिव, यानी के पॉजिटिव में a इनटू व्हाट n माइनस हाफ टाइम्स ऑफ व्हाट a स्क्वायर, ये वैल्यू बन गया कुछ ऐसे। ओके अब ये पूरे इक्वेशन में आप लोग को कुछ कुछ टर्म ऐसे है जिसको आप लोग को कैंसिल करना पड़ेगा, देखो प्लस यू ऑफ एन एंड माइनस यू ऑफ एन कैंसिल हो गया, करेक्ट है सर। यहाँ पर हम लोग के पास और क्या बचता है बच्चा, हाँ यस देखो हाफ टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर एंड हाफ टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर यानी कि टू टाइम्स ऑफ ए एन स्क्वायर, उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला रहेगा आपका सर, दिस इज सिंपल एज हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए एन स्क्वायर यानी कि a of n square, सर यहाँ पर बच जाता है आप लोग के पास a of n minus half times of what a square plus u, ये वैल्यू बच गया मुझे से। ओके अब देखो यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, सर ये पूरे इक्वेशन से अगर मैं a of n को कॉमन निकालू तो a of n अगर कॉमन निकल गया तो आप लोग को मिल जाएगा n plus 1, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो half times of what ये आता है ए स्क्वायर प्लस आता है हम लोग के पास कौन यू, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है सर ये फॉर्मूला है nth सेकेंड का फॉर्मूला है nth सेकेंड का। ओके या फिर हम लोग सिंपल बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ओके एक छोटू सा सम दे रहा हूं आपको मैं, ये सम आप लोग सॉल्व करोगे देखो क्या है सर, ये सम ऐसा है कि आपके पास एक फिर से एक बिल्डिंग लाया हमने, ये बिल्डिंग के ऊपर एक रेस्ट कंडीशन से ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन से रखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना रहेगा बच्चा, जीरो। सर ये ऑब्जेक्ट को मैंने जस्ट थोड़ा सा हल्का सा धक्का दिया, अगर ऑब्जेक्ट को धक्का दिया बच्चा तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, बट ऑब्वियस वाला चीज है, पर ये ऑब्जेक्ट जब नीचे जा रहा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए का वैल्यू है आपके पास जी वाला वैल्यू। ओके तो फाइंड करना है वो ऑब्जेक्ट
नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के अंदर कितने डिस्टेंस को कवर अप करेगा, यानी कि आपका जो एन का वैल्यू है वो एन का वैल्यू है आपके पास 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड का वैल्यू आपके पास है. ओके तो यू का वैल्यू 0, ए का वैल्यू सेम एज जी, जी को हम लोग 10 कंसिडर करेंगे और एन का वैल्यू कितना है आपके पास 2. ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को आप लोग पुट करना है ये इक्वेशन में. सो यू विल गेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, n सेकेंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस को कवर अप किया है. ओके सो डू इट फास्ट और आपकी जो आंसर्स आएंगे वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाउन करना है एकदम फास्टली. ओके यस आई होप सो आप लोग वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ पर वैल्यूज बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगी आपको. ए का वैल्यू है आपके पास 10, तो यहाँ पर 10 इंटू एन का वैल्यू आपके पास 2 है, अगेन फिर से एन प्लस 1 यानी कि 3 एंड प्लस सॉरी माइनस ये आता है हाफ टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, हाफ टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 100 बराबर है प्लस यू, यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 0. ओके सो 10 इंटू 2 यानी कि 20, 23 जा कितना होता है 23 जा 60 माइनस 50 ओके यानी कि 10 मीटर ही आपका रहेगा डिस्टेंस. एक बार चेक करना आपको 10 मीटर आंसर आया है कि नहीं आया. ओके सो फंडा एकदम सिंपल है बच्चा, फंडा एकदम क्लियर करके लो. ये है आप लोग के पास डिस्प्लेसमेंट इन nth पोजीशन nth सेकंड के लिए. ओके लेट्स मूव अहेड, थोड़ा आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखो अभी क्या क्या फंडा निकलता है. ये जो टॉपिक है 1D वाला टॉपिक, उसके अंदर का ये पार्ट है जिसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके सर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की अब मैं बात कर रहा हूँ. सर इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग को क्या दिखाता है, तो वहां पर लिखा है उसने हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ओके इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. एक पर्टिकुलर सेकेंड की जब मैं बात करता हूँ तो वो पर्टिकुलर सेकेंड पे कैलकुलेट होने वाले स्पीड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. लेट्स टेक वन एग्जांपल. एक सिंपल है, जब प्लेन लैंड होता है. ओके जब प्लेन लैंड होता है तो प्लेन लैंडिंग के टाइम पे ये जो एरोप्लेन है उसका वेलोसिटी कितना रहेगा जब वो जमीन को टच करेगा, तो वो जमीन को टच करने वाले स्पीड को हम लोग कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके ये एरोप्लेन ऊपर कितने स्पीड से उड़ रहा है ये हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, ये नीचे आके ये रनवे के ऊपर कितना भाग रहा है इसे भी हम लोग को कुछ करना नहीं है. वो एरोप्लेन बस ये जमीन को किस पोजिशन पे टच कर रहा है वही पोजीशन पे वही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उसका आने वाला स्पीड यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके ये मोस्टली यूज करते हैं हम लोग कोलिजन के टाइप पे, जब दो कार आगे एक दूसरे को जोर से टक्कर मार दिया तो वो टक्कर में कार ए का स्पीड कितना है कार बी का स्पीड कितना है वो कोलिजन के मोमेंट के पास, तो वहां पर कहा जाता है उसको इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट. ओके सो यहाँ पर आगे लिखा है हम लोग ने रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस. सर रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज तुम लोग का इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके सर यहाँ पर अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूँ तो मैग्नीट्यूड वाइज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो मैग्नीट्यूड आपका वेलोसिटी का भी रहेगा, करेक्ट है. सर ये हमेशा पॉजिटिव होता है. अभी आप लोग बोलोगे क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चा स्पीड एक ऐसे पैरामीटर है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब स्पीड जीरो हो सकता है या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, इट में बी ए 1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक. ओके सर ये जो स्पीड है ये क्या है, डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगेन ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी. सर इट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, इज अ स्केलर पैरामीटर. ओके एंड स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ये हम लोग को देता है हमेशा स्पीड. ओके देखो अभी ये स्लोप क्या है, तो हम लोग सिंपल कहेंगे सर आपके पास ना ये वाई वाला एक्सिस है ये एक्स वाला एक्सिस है, अगर वाई वाला एक्सिस के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर डिस्टेंस. ओके और ये एक्स वाला एक्सिस के ऊपर मैंने कैलकुलेट कर दिया बच्चा टाइम,
और मैंने इनका ग्राफ भी प्लॉट कर दिया। सपोज इसका ग्राफ जो वैरी हो रहा है वो ग्राफ वैरी हो रहा है कुछ ऐसे, ये वाले पोजीशन से इसका ग्राफ बन गया। अगर मैंने यहां पर ये दो पॉइंट कंसिडर कर लिए और ये दो पॉइंट के लिए अगर मैंने स्लोप निकाला, तो ये दो पॉइंट के लिए जो स्लोप होता है वो स्लोप आएगा आपके पास y2 माइनस ऑफ y1 डिवाइड बाय x2 माइनस ऑफ व्हाट x1, ये आपके पास स्लोप का फॉर्मूला है। तो ये दो पॉइंट के लिए अगर हम लोग स्लोप को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर का जो स्लोप आएगा वो आएगा आपके पास, जैसे हम लोग कहते हैं y2 माइनस y1, यानी कि y वाला पैरामीटर यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी कि टाइम वाला पैरामीटर। माई डियर, जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां पर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन अ टाइम इज नथिंग बट व्हाट स्पीड, डिस्टेंस अपॉन अ टाइम इज नथिंग बट व्हाट स्पीड। तो इसके लिए दिमाग में रखोगे आपका कभी भी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये जब आएगा तो देगा हम लोग को स्पीड की वैल्यू, स्पीड का इक्वेशन। ओके, लेट्स मूव अहेड। स्पीड होने के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट फंडा निकलता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यहाँ पर अगेन दो तीन फॉर्मूले, शॉर्टकट वाले फॉर्मूले, शॉर्टकट वाले कंसेप्ट से जो आप लोग को लिख के लेना एकदम एकदम अच्छे से। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एवरेज स्पीड? सर एवरेज स्पीड ला जब अपन बोलते हो ना तो क्या आता है एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड यानी के टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी के एवरेज स्पीड। लेट्स टेक वन एग्जांपल, ए वाले पोजीशन से ऑब्जेक्ट निकल के बच्चा बी वाला पोजीशन तक गया, वही ऑब्जेक्ट बी वाले पोजीशन से सी वाले पोजीशन तक गया। सो ए टू बी जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का एडिशन होता है बी टू सी वाले डिस्टेंस के साथ, और यही डिस्टेंस को ऐड करते करते इसको कितना टाइम लगता है ए टू बी जाने के लिए, सपोज टाइम रिक्वायर्ड इज टी वन, बी टू सी जाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड इज टी टू। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय व्हाट टोटल टाइम, यानी कि देगा हम लोग को एवरेज स्पीड। ओके सर, इसका देखो आगे क्या लिखा उन्होंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज या फिर ओनली व्हेन द डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट। देखो अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड। बात को समझ के लो, मैंने ऐसे लिखा है बेटा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखा है, मैंने एवरेज स्पीड लिखा है। पर ये कभी पॉसिबल है सर? जब ही आपका जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म है, एक सेम डायरेक्शन है, तब जाके एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम एज एवरेज स्पीड। ये बात दिमाग में रखना। ओके, अब देखो जो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं ये दो फॉर्मूले हम लोग को देखना है। सबसे पहला फॉर्मूला है इक्वल टाइम इंटरवल का फॉर्मूला। ओके, इक्वल टाइम इंटरवल का फॉर्मूला, व्हाट इज मीन बाय इक्वल टाइम इंटरवल? तो यहां पर देखो मैंने क्वेश्चन डाल दिया ऐसे, ऑब्जेक्ट ए वाला पोजीशन से निकला, बी वाले पोजीशन पे गया, और यहां पर टाइम लगा है उसको t1, और उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को फिर से बी वाले पोजीशन से निकल के सी वाले पोजीशन तक जाने को लगा। तो हम लोग यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि ए वन वाला पॉइंट मतलब ए टू बी जितना टाइम लगा उतना ही टाइम बी टू अगर सी लगता है, तो यहाँ पर व्हेन टाइम इंटरवल आर सेम तो यहाँ पर जो स्पीड की कैलकुलेशन चलेगी तो एवरेज स्पीड क्या आएगा? सर ये एवरेज स्पीड यहाँ पर ये वाले पाथ पे था एस वन वाला स्पीड, ये वाले पाथ पे एवरेज स्पीड था एस टू, तो यहाँ पर टोटल एवरेज कितना आएगा? सो टोटल एवरेज यानी कि एस ऑफ एवरेज इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर दोनों के दोनों स्पीड को ऐड कर दो, यानी कि S1 ये पाथ 1 का स्पीड था प्लस S2 तुम लोग का ये B2C वाला स्पीड था, डिवाइड बाय क्या कर दिया बच्चा मैंने, डिवाइड बाय कर दिया मैंने 2, यानी कि S of average is equal to S1 plus S2 divided by 2। ये कभी यूज करने का आपको, ये यूज करना आपको जब भी आपके पास टाइम इंटरवल क्या रहेगा, सेम रहेगा तभी। अगर टाइम इंटरवल गलत हुआ या फिर हम लोग सिंपल कहते हैं कि सेम नहीं रहेगा तो वहां पर जाके आपको ये फॉर्मूला यूज करना नहीं है। ओके, नेक्स्ट शॉर्टकट टेक्निक देखो क्या बोला है मैंने, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज देयर, तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा तो यहाँ पर आपका जो स्पीड आएगा एवरेज स्पीड उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज स्पीड के लिए फिर से एक शानदार फॉर्मूला मैंने बनाया है यहाँ पर। सर एवरेज स्पीड एस ऑफ एवरेज इज इक्वल टू क्या? इट इज टू टाइम्स ऑफ एस वन इंटू एस टू
डिवाइड बाय एस वन प्लस एस टू, यानी कि हम लोग सिंपल एवरेज स्पीड का जब कैलकुलेशन करेंगे और आपके पास डिस्टेंस पूरा का पूरा सेम रहेगा, तो वो सेम डिस्टेंस के लिए आप लोग का जो स्पीड आएगा वो रहेगा टू टाइम्स ऑफ एस वन इंटू एस टू डिवाइड बाय एस वन प्लस एस टू। ये बात को एकदम क्लियरली करके चलो। ओके, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो अभी क्या लिखा है हमने। इफ स्पीड इज कॉन्स्टेंट देन द एवरेज वेलोसिटी सेम एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर स्पीड आपके पास कॉन्स्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी सेम एज क्या रहेगा आपके पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगा एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, आपका जो वेलोसिटी आता है आपका जो स्पीड आता है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा। ओके, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो अभी आगे टॉपिक क्या है, वो अगला टॉपिक है हम लोग के पास, जिसे कहेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस। ओके, तो देखो अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात चल रही है बच्चा, पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है आप लोग को, पॉइंट एक एक समझना है। ओके, देखो अभी क्या बोला उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। यस, तो यहां पर कहा जाता है कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, अगर लेट से कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे, तो ये सर्कल के पूरे पार्ट पे, सपोज यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, तो ये एक पोजीशन है, एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपका जो वेलोसिटी रहेगा वो हमेशा टेंजेंशियल निकलता है। तो ये पॉइंट के ऊपर उसका कितना मैग्नीट्यूड है एंड उसकी कितनी डायरेक्शन है, उसे कहा जाता है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन। अगर हम लोग सिंपल कहेंगे वेलोसिटी का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला पार्ट। ओके, तो बात को दिमाग में रखोगे, जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आता है, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट dt टेंड्स टू व्हाट जीरो, ये आता है हम लोग के पास dt टेंड्स टू व्हाट जीरो, ये आता है d ऑफ s डिवाइडेड बाय व्हाट dt। सर d ऑफ s क्या है माय डियर, d ऑफ s को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट और dt क्या है, तो dt को कहा जाता है चेंज इन टाइम। तो फिर सर यहाँ पर ये जो लिमिट आपने लिखा है, लिमिट क्यों लिखा है माय डियर, ये लिमिट आपको ये बताता है कि आपके पास जो टाइम है वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, टाइम इंटरवल बहुत बड़ा नहीं चाहिए, टाइम इंटरवल जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। इसका मतलब क्या, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल दिया कि एक सर्फेस है जिसके ऊपर एक प्लेन लैंड हो रहा है, तो लैंडिंग के टाइम पे जब ये सर्फेस को टच करेगा प्लेन, तो टच करते टाइम उसका जो वेलोसिटी था वो एकदम बोलते ना एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मुझको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जब मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की बात करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो कहाँ पर चलता है, डी टी स्टैंडिंग टूवर्ड्स व्हाट जीरो, डी टी का वैल्यू जीरो पे लो, जीरो पे मतलब वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, इस अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम वाला टाइम, इसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लिमिट का फंक्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो अभी इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। अच्छा वेलोसिटी क्या रहेगा, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम एज द स्पीड। ओके, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वेलोसिटी आप लोग का पॉजिटिव भी रह सकता है, वेलोसिटी आप लोग का नेगेटिव भी रह सकता है। नेगेटिव के लिए वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करेगा। ओके, सपोज एक कार है, ये कार ए डायरेक्शन पे चल रहा है और ये राइट हैंड साइड चल रहा है, ये वाला कार। ओके, कार का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, वही कार या फिर एक लड़ से बी वाला कार है, ये बी वाला कार तुम लोग का अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। ओके, और ये कार का वेलोसिटी आप लोग के पास 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट ये बताता है आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ रहे हो। तो मैंने बोला ए वाला जो डायरेक्शन है मेरे पास आइडियल है, मैंने इसको पॉजिटिव पकड़ लिया, तो पॉजिटिव 100 किलोमीटर पर आर ये निकल गया मेरे पास कि हम लोग बोलेंगे स्पीड या फिर वेलोसिटी। वही अगर मैं उसका एक्सिस को चेंज कर दूं, तो एक्सिस को चेंज कर दिया, तो ये जो 150 किलोमीटर पर आर निकला है ये आएगा हम लोग के पास नेगेटिव वाला पार्ट। ओके, सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये देगा हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हम लोगों ने स्पीड की टाइम बात किया था, यहाँ पर मेरे पास कौन सा पार्ट है, ये आता है टाइम वाला सेक्शन और ये आता है हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट वाला सेक्शन।
जब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के अगर मैंने स्लोप को फाइंड आउट किया, स्लोप यानी कि फिर से m इज इक्वल टू क्या आता है बच्चा, m इज इक्वल टू आता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स से आता है, स्ट्रेट लाइन से आता है। तो यहाँ पर ये स्लोप का फॉर्मूला अगर आप लोग यूज करते हो तो ये स्लोप हम लोग को क्या देगा बच्चा, तो स्लोप देगा मुझको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इसका यूनिट क्या आएगा, अगेन कोई भी वेलोसिटी रहने दो, उसका यूनिट हमेशा मीटर डिवाइड बाय सेकेंड ही आता है। और इसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशनलिटी इज m0l1t^-1। ये डायमेंशन आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, लेट्स मूव अहेड, हम लोग आगे चल रहे हैं बच्चा, आगे वाला पार्ट है हम लोग के पास, जिसे कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी वाला पार्ट। अभी एवरेज वेलोसिटी क्या है, ओके, तो यहां पर लिख दिया हम लोग ने, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो रहेगा, एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज आपका रहेगा बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपका मोशन यूनिफॉर्म रहेगा तो, ओके, तो यूनिफॉर्म रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी व्हेन डायरेक्शन इज कांस्टेंट। जब डायरेक्शन कांस्टेंट होगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके साथ रहेगा, इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज स्पीड। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी, जैसे हमने बोला वेक्टर वाला पैरामीटर है, ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी कि हम लोग का निकलता है बच्चा ये एवरेज वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग, देखो अभी क्या लिखा है हम लोग ने लिखा है, ये अलग टॉपिक है जो वेलोसिटी एंड स्पीड के बाद आता है, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि ऐसा मोशन है जो कॉन्स्टेंटली है, जो यूनिफॉर्मली है, जो स्टेडीली है। ओके, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और ये यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग के पास देखो क्या क्या कंडीशन डाले उसमें, क्या क्या पॉइंट्स है यूनिफॉर्म मोशन के। सबसे पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में ये कंडीशन एकदम मैंडेटरी वाला पार्ट है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल करेगा, बराबर है, ऑब्जेक्ट इधर उधर किधर भी जाएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब आपका सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया तो सर्कुलर मोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, ये बात को दिमाग में रखना। ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर ही जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन के मोशन को हम लोग कहते हैं, अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा तो उसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज सेम एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट और डायरेक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। यहाँ पर कंडीशन तो यूनिफॉर्म का वही है ना, आपका जो स्पीड रहेगा वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, आपकी जो डायरेक्शन रहेगी वो भी क्या रहनी चाहिए बच्चा, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट उसने बोला एक्सिलरेशन इज जीरो, आपका जो नेट एक्सिलरेशन है वो कितना आना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन पे, जीरो। अभी आप लोग बोलोगे एक्सिलरेशन जीरो क्यों, सपोज एक छोटू सा एग्जांपल लेते हैं, एक कार है ए वाला पोजीशन पे उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, वही कार बी वाला पोजीशन पे गया उसका वेलोसिटी बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो सर यहाँ पर अगर 2 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड से लेके 20 मीटर पर सेकेंड पे जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर ये खुद को एक्सेलरेट करवा रही है, तो कार खुद को एक्सेलरेट करवा रही है इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ओके, पर जब हम लोग बात करते हैं कि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेलरेशन इज जीरो, क्यों जीरो है, जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में एग्जैक्टली आपका जो वेलोसिटी रहता है वो तो एकदम कांस्टेंट रहता है। अगर आप लोग कांस्टेंट वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन निकालोगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन हमेशा आपको देगा जीरो,
इसके लिए हम लोग कहते हैं कि जब कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा या फिर स्पीड रहेगा, तो वो केस में नेट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट उसने रखा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. हम ये बात को एकदम क्लियरली समझ के लो, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहता है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, लास्ट थर्ड वाला पॉइंट चालू हम लोग का. यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हम लोग के पास बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हम लोग के पास कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, क्योंकि सर्कल में डायरेक्शन चेंज होते चलता है. ओके, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये पॉसिबिलिटी है. ओके, और यहाँ पर एस इज इक्वल टू निकलता है यू इन टू वॉट टी. अभी ये फॉर्मूला आया कैसे है, बेसिकली काइनामेटिक का इक्वेशन था एस इज इक्वल टू वॉट यू टी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ वॉट ए टी स्क्वायर. ओके, ये पूरे इक्वेशन में एक्सिलेशन का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो. क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है. जब वैल्यूज सेम रहेंगे तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि देयर इज नो एक्सेलरेशन. इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला रहेगा, टी का वैल्यू अगर जीरो, सॉरी ए का वैल्यू अगर आप जीरो पुट करते हो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा यू इंटू वॉट टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि क्या होता है चाहिए आपके पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर्मूला बन गया. ओके, लेट्स मूव अहेड, थोड़ा आगे चलेंगे. नेक्स्ट पार्ट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का. क्या आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो फिर से डेफिनेशन समझ के लेंगे. देखो, एक्सेलरेट करना ये कॉमन टर्म है पूरा, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है. एक्सेलरेट करना यानी कि आगे बढ़ने का, डीएक्सेलरेट करने का यानी कि गाड़ी को ब्रेक लगाने का. तो दो फंडेज है, गाड़ी को भगाने का काम यानी कि एक्सेलरेशन, और गाड़ी को ब्रेक लगाने का काम यानी कि रिट्रार्डेशन, जिसे कहा जाता है डीएक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. वेलोसिटी चेंज हुआ है, उसमें कितना चेंज हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, उसे कहा जाता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, सो नेक्स्ट आता है वेक्टर. अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, तो माय डियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये आपके पास हमेशा वेक्टर पैरामीटर रहेगा, और इसका फॉर्मूला रहता है ए इज इक्वल टू कितना, हम लोग कहेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट डी टी वाला पार्ट. ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. अभी आप लोग सर फिर से बताओ, आपने इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज किया है, तो इंस्टेंटेनियस यानी कि जो टाइम है वो बहुत छोटा है, यानी कि यहाँ पर यूज करना पड़ेगा मुझको लिमिट में फिर से डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, दिस इज नथिंग बट डी वी डिवाइडेड बाय व्हाट डी टी. सर ये आता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और ये एक्सेलरेशन कौन सा है बेटा मेरे पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है. ओके, सर नेक्स्ट आता है डायरेक्शन अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी. ओके, डायरेक्शन चेंजेस विद चेंज इन वेलोसिटी. ओके, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. अभी ये स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या है, वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है. अगर इनका रिस्पांस मैंने प्लॉट कर दिया ऐसे, तो ये रिस्पांस से अगर मैं इसका स्लोप को फाइंड आउट कर दूं बच्चा, तो स्लोप वाले पॉइंट क्या है मेरे पास, स्लोप वाले पॉइंट इज सिंपल y2 माइनस y1 डिवाइड बाय मैंने बोल दिया x2 माइनस ऑफ व्हाट x1. ये स्लोप वाला पॉइंट के इक्वेशन से. तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, अगर मैंने ये लाइन का स्लोप निकाला तो स्लोप यानी कि क्या आता है आपके पास, वी टी ग्राफ का स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन होता है. ओके, लेट्स मूव अहेड. देखो अभी नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट फंडा है हम लोग के पास एवरेज एक्सेलरेशन. किसकी बात कर रहा हूँ बच्चा, मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि ए ऑफ एवरेज इज इक्वल टू, जब ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन पे गया तो ऑब्जेक्ट का रहने वाला फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट का रहने वाला इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय हम लोग कहेंगे डीटी, यानी कि ये आता है हम लोग के पास एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटीज. कौन से वेलोसिटीज है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय व्हाट चेंज इन टाइम, इसे कहा जाता है अच्छा एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, लेट्स मूव अहेड. एवरेज एक्सेलरेशन होने के बाद
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही हम लोग को दिमाग में रखने का है। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग को एमसीक्यूज सॉल्व करने में शॉर्टकट तरीके आएंगे या फिर शॉर्टकट वेज बताए यहाँ पर कुछ, तो ये पॉइंट आप लोग को दिमाग में रखने का, ये पॉइंट को पूरा नोट डाउन करने का है। ओके, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम मोस्टली हम लोग के पास लेस देन अ मिनट होता है, तो लेस देन अ मिनट के अंदर अगर क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है तो शॉर्टकट तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिख दिया हम लोग ने यहाँ पर, वो पॉइंट ऐसा है बच्चा, वो पॉइंट ऐसे मेंशन किया उसने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पॉइंट नंबर वन, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन then the distance covered by the body in t second is directly proportional to t square. बात समझा मैंने क्या बोला? सर एक बॉडी है जो रेस्ट कंडीशन पे था, रुका हुआ था, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन से बढ़ गया, तो वो बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर अप किया t वाले सेकेंड्स के लिए, तो वहां पर कहेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टी सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके, सपोज उसके एग्जाम्पल लेते हम लोग, सो वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड आर कितना दिया है। देखो आपने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है ये डायरेक्टली आपके किसके साथ प्रोपोर्शनल में है, टाइम स्क्वायर के साथ, बराबर है। जब उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट कर दो डिस्टेंस के रेशो कितने आएंगे व्हेन टाइम का वैल्यू मेरे पास 1 है, व्हेन टाइम का वैल्यू मेरे पास 2 है, करेक्ट है, और व्हेन टाइम का वैल्यू मेरे पास कितना है बच्चा, उसने बोल दिया व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3। तो आप लोग को एक ही चीज दिमाग पर रखने का है, डिस्टेंस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टी स्क्वायर, डिस्टेंस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टी स्क्वायर। ओके, चलते आगे बढ़ेंगे, देखो अभी क्या है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, देखो क्या है, If a body start from rest, body कहाँ से start हो रहा है, rest से हो रहा है, and move with uniform acceleration, then the distance covered by the body in nth second is proportional to कितना distance cover up करता है nth seconds के लिए, ये important है, distance covered by the body in nth second is proportional to कितना आएगा, sir distance cover in nth second is equal to आता है हम लोग के पास 2n minus 1, ये आता है distance covered, okay? Let's take one example. So we can say that the ratio of distance covered in 1 second, 2 second, 3 second. तो क्या use करोगे? Sir, 1 second के लिए S1 is equal to 2 times of, n की value 1 है, minus 1. So 2 minus 1, यानी क्या आता है 1. जब मैं S2 की बात करूंगा बच्चा, तो यहाँ पर फिर से 2 as it is, n की value कितनी है? 2 minus 1. यानी कि डिस्टेंस कवर होता है हम लोग के पास 3। अगर मैं S3 की बात करूं बच्चा, S3 की बात किया तो बच्चा यहाँ पर फिर से यह आता है 2 into और 3 minus 1 is equal to, ये बन जाएगा आपके पास 5। यानी कि आपका जो 1:3:5 भी रेशो बन गया डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन 1, 2, 3 सेकेंड्स। ओके, थोड़े थोड़े शॉर्टकट पॉइंट्स है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। ओके, नेक्स्ट देखो अभी क्या है, नेक्स्ट शॉर्टकट पॉइंट में जो हम लोग को मोस्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करने का है, वो शॉर्टकट वाले पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट उसने बोला है, इफ बॉडी मूविंग विद अ वेलोसिटी यू इज स्टॉप बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एस, बॉडी है या फिर लेट्स से बॉडी की जगह पर कार का एग्जाम्पल लिखते फटाफट समझेगा, कार ऑलरेडी एक रोड के ऊपर चल रहा है और ये कार ने ब्रेक को अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, जैसे कार ने ब्रेक के ऊपर पैर रख दिया, मेरा ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो वहां पर ब्रेक लगना चालू हुआ और एक सर्टन डिस्टेंस कवर अप करने के बाद कार तुम लोग का रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना आया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज एस, कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है सर, ये एस वाला डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है। ओके, इफ द सेम बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी एन यू एंड सेम ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, then it will come to rest after covering the distance of n square s. तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू बनेगा वो वैल्यू कैसे कैसे चेंज होता है वो हम लोग को देखने का। देखो
बेसिकली काइनेमेटिक का इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए एस. क्या इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए इंटू व्हाट एस. सर यहाँ पर एक्चुअली जो आपका एक्सीलरेशन है वो तो रिटार्डेशन के फॉर्म में है, यानी कि हम लोग सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पर जो ए है आपका नेगेटिव है, तो मैं ऐसे कंक्लूजन डालूंगा v square is equal to what u square minus 2 times of a into what s. सर जब वेलोसिटी फाइनल जीरो बनता है क्योंकि कार रुक जाता है, तो कार रुक गया इसका मतलब आपका फाइनल v का वैल्यू कितना आ गया, जीरो. तो आपका इक्वेशन बनेगा जीरो टाइम्स ऑफ u square माइनस कितना आएगा बच्चा ये 2 a into what s. ये माइनस टू एस को मैं यहाँ पर आके शिफ्ट करता हूँ तो आपको इक्वेशन मिलता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब आपका जो स्पीड है, आपका जो डिस्टेंस कवर अप है, वो उसके इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है. तो इट मींस एज ए इज कांस्टेंट, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, फिर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. सो वी कैन से दैट if u becomes n times then s become n square times that of the previous value. okay, फिर से हम रिपीट करता हूं, जब u का वैल्यू n टाइम्स बन गया तो s का वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स बनेगा, क्योंकि रिलेशन एकदम सिंपल है जो हम लोग ने यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकाला है. ओके, तो ये पार्ट को आप लोग कॉपी करके रखोगे और फिर चलते हैं. देखो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को बार बार यूज करने का है न्यूमेरिकल्स के अंदर. ओके, इफ अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, क्या बोला है उसने, देखो अभी एक लास्ट पॉइंट है इसका. इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ए वाले पॉइंट से निकला है बी वाले पॉइंट तक जा रहा है, मूविंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है. ओके, along a to b has a velocity is v1 and v2 at a and b respectively. v1 के पास यानी कि v1 वाला velocity है a वाले position पे and v2 वाला velocity है b वाला position पे. if c is the midpoint between a and b, ये c वाला point है जो midpoint है a and b वाले point के लिए, then the velocities of the particle at C is given by, तो यहाँ पर जो velocity दिया जाता है उसका एक बेहतरीन formula निकलता है, V is equal to आप लोग को लिखने का है under root में, it is simple as V1 का square plus V2 का square divided by root divided by 2, that's it. ये आएगा आपका simple सा formula. okay, तो इसका एक छोटू सा मैं example दूंगा. suppose एक example लिया मैंने, car है जिस कार का ए वाला पोजीशन पे वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और ये कार जा रहा है बी वाला पोजीशन पे हुज वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एट पोजीशन बी. आपको एक पॉइंट दिया है सी विच इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, तो ये सी वाले पॉइंट के लिए अगर आप लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला फॉर्मूला यूज करो, फटाफट वैल्यूज को फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो और मुझे बताओ वेलोसिटी एट मिड पॉइंट कितना आएगा. आपका टाइम चालू, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. ओके, प्लीज.